देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत के बाद करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर लाल किले से ही इस प्लान का ऐलान किया था। इक्कीसवीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। साथियों, देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, कोई कॉलेज बनाता है, तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है। और ये इसमें हर किसी का अनुभव है, हर एक का ये अनुभव से आप गुजरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोजमर्रा अनुभव करते हैं।